अभी हम धनबाद के रांगाटार में खड़े हैं और ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं यह गया पुल, और इस गया पुल को अब एक बार फिर से यहां पर एक नए अंडरपास मिलने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि 2018 में ही जिला प्रशासन ने राइट्स को रेलवे के माध्यम से यह निर्देश दिया था कि इस गया पुल का अल्टरनेट एक दूसरा अंडरपास बनाने में कितनी राशि खर्च होगी, इसके लिए DPR बनाकर जल्द से जल्द उपलब्ध कराए, लेकिन राइट्स ने अथवा रेलवे के अधिकारियों ने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और आज तक रेलवे का यहां पर दूसरा अंडरपास नहीं बन पाया, जिसके वजह से आए दिन शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है, गाड़ियों को अधिक देर तक यहां रुकना पड़ता है। शहर में जाम होने की वजह से गाड़ियों का ईंधन अधिक खपत होता है और शहर में प्रदूषण की भी समस्या बहुत हद तक बढ़ जाती है। इन तमाम बातों को आज की बैठक में संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने रेलवे को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द राइट्स के माध्यम से इसकी DPR की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता इसकी समीक्षा करें और जल्द से जल्द इस कार्य को शुरू किया जाए। इसके लिए जो भी राशि खर्च होगी DMFT फंड से जिला प्रशासन खर्च करने का काम करेगी। बहरहाल देखना होगा कि कब तक धनबाद जिला प्रशासन के आदेशों पर अमल हो पाता है और रेलवे के द्वारा इस पर DPR तैयार करके जिला प्रशासन को सौंपी जाती है, लेकिन तब तक धनबाद वासियों को ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जूझना ही पड़ेगा। सहयोगी राजेश कुमार के साथ राजकुमार जायसवाल, मिरर मीडिया, धनबाद।